गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे विल डू टॉपिक इन ग्रामर, लेसन नंबर 16, ही शी एंड इट। द वर्ड ही शी एंड इट आर समटाइम्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। नाम की जगह पे हमको इसको यूज कर सकते हैं। अगर बॉय है तो वहाँ पर नाम है तो वहाँ पर ही यूज किया जाएगा, गर्ल है तो शी यूज किया जाएगा, और आगे का जो है आई टी तब भी यूज करते हैं थिंग्स, बर्ड्स और एनिमल्स में। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ही इज यूज इन द प्लेस ऑफ नेम फॉर मैन एंड बॉयज। बॉयज और मैन में हम ही यूज करेंगे, उनका नाम हटा के हम वहाँ पर ही यूज कर सकते हैं। शी इज यूज इन द प्लेस ऑफ नेम्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। इट इज यूज इन द प्लेस ऑफ एनिमल्स फॉर थिंग्स, बर्ड्स और एनिमल्स। अभी नीचे देखो, एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं आपको, इस पिक्चर से आपको समझ जाएगा। विकी इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर लड़की का नाम क्या है, विकी, तो हम उसको हटा सकते हैं ना। विकी की जगह पे हम क्या लेंगे, ही लाइक्स क्रिकेट, है ना। तो ही स्टैंड्स फॉर विकी। ही किसके लिए लिखा, हमने विकी के लिए लिखा है। इज अ बॉय, बॉय या मैन का नाम हम हटा कर वहाँ पर ही वर्ड यूज कर सकते हैं, नेमिंग वर्ड। मीना इज अ गर्ल, शी इज 10 ईयर्स ओल्ड। अभी मीना को हटा के हमने ऐसा नहीं लिखा मीना इज 10 ईयर्स ओल्ड, नहीं, हमने शी लगाया वहाँ। मीना जो नाम था उसको हटा कर हम शी वर्ड वहाँ पर यूज कर, शी इज अ गर्ल, शी इज 10 ईयर्स ओल्ड, तो शी स्टैंड्स फॉर मीना। ऐसे यहाँ पे दिस इज अ कैट। आपको मैंने क्या बोला, इट कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, एनिमल्स में यूज करेंगे, बर्ड्स में, और थिंग्स में हम इट यूज करते हैं। इट इज स्लीपिंग इन द बास्केट। आई टी स्टैंड्स फॉर कैट। राइट ही शी और इट करेक्ट इन द ब्लैंक्स। अभी यहाँ पर देखो पिक्चर में कौन है, पोस्टमैन। पोस्टमैन इज अ मैन। वॉट इज, ही इज अ मैन। तो मैन का आपने हम वहाँ पर पोस्टमैन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ही, एच ई ही लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, ही इज ऑल्सो अ मैन, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्वीपर नहीं लिखेंगे, ही इज अ स्वीपर, ही इज अ स्वीपर। थर्ड वाला पिक्चर देखो, अ नर्स, नर्स क्या है, अ गर्ल। गर्ल और वुमन को क्या यूज करने मैंने बोला है, शी, हमने वहाँ पर शी इज अ नर्स। मैन एनिमल थिंग, और हमने एनिमल थिंग्स और बर्ड्स को हमको क्या यूज करना है, मैंने आपको बताया था आई टी, इट इज अ मंकी, ही इज अ सिंगर, इट इज अ स्पैरो। थिंग है देखो, बलून इज अ थिंग ना, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ बलून। अभी टीचर इज अ वुमेन और अ गर्ल, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, शी, शी इज अ टीचर। नाउ लेसन नंबर 17 वी विल डू वर्ड पेयर्स। सम वर्ड्स गो इन पेयर्स, वी यूज द वर्ड्स एंड टू मेक पेयर्स। पेयर्स यानी दो चीज़ों को हम, जैसे उनको हम पेयर्स में ही यूज कर सकते हैं, जैसे कप सॉसर हो गया, और कप सॉसर हो गया, फिर क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया, शूज एंड सॉक्स हो गया, तो ये सारा कुछ हम पेयर्स में ही यूज करते हैं। बुक और पेंसिल हो गई, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखा रहा है, मैच द वर्ड पेयर्स करेक्टली एंड करेक्ट देम बिलो। अभी पहला पिक्चर क्या है, कप, तो कप को किससे मैच करेंगे हम, सॉसर से, ठीक है। दूसरा पिक्चर क्या है, शूज, शूज को किससे मैच करेंगे, अभी अभी बताया ना मैंने आपको, सॉक्स से मैच करेंगे उसको, ठीक। नाइफ को किससे मैच करेंगे, फोक से। बो को किससे मैच करेंगे, एरो से। बैट को किससे मैच करेंगे, बॉल से। ये पैड्स नहीं होते, ठीक है। ब्रेड को किससे मैच करेंगे, बटर से। नीडल को किससे मैच करेंगे, थ्रेड से। बाय बाय।